आज मैं अपने घर का बॉस हूँ और आज मैं एक काम करने वाला हूँ। मामा को कहूँगा कि मेरे नेल काट दें क्योंकि ये पाँव के नेल बहुत बड़े हो गए हैं। अरे ये क्या, आहा, तुम्हें क्या लगता है इतने गंदे पाँव साफ करूँ मैं? नहीं, छोड़ो मुझे। हाँ, अब क्या हुआ मामा? मैंने आपको कहा था कि मैं जीत जाऊंगा और अब आपको वही करना होगा जो मैं कहूंगा। हाँ, तुम ज्यादा से ज्यादा क्या मांग लोगे? क्या आपको लगता है कि मैं कोई पेप्सी, कोई कोक या कोई बर्गर मांगूंगा? नहीं नहीं, पेप्सी नहीं, ना ही बर्गर। बर्गर की बजाय पिज्जा, ठीक है? हाँ पिज्जा। ओ, बड़े आए तुम बॉस, मैं नहीं लाने वाली तुम्हारे लिए पिज्जा। चलें, आप एक काम करें, मेरे लिए 4 सैंडविचेस बना दें, हैम के और चीज के, ठीक है? ओहो, चीज केक चाहिए, वो किस खुशी में? हाँ, क्योंकि मैं जीता हूँ, समझ आई? मैं यहाँ का बॉस हूँ आज के लिए, मैं बताऊंगा कि कितने बनेंगे, जाइए। मामा, क्या हुआ? मुझे एक तकिया ला देंगी प्लीज? हाँ, लेकिन आज के लिए बॉस मैं हूँ। ये लो। अरे मामा, आप जानती हैं कि ये मेरा फेवरेट पिलो नहीं है। पिलो तो पिलो होता है। ये तो आपको गेस करना है, मुझे पसंद है पिजियन -5। शेरजा? क्या मतलब शेरजा? शेरजा, मैं बॉस हूँ। ये लो अपना फेवरेट पिलो बॉस जी। हाँ, अब कुछ ठीक है ये? अब मैं बैठ जाऊं? लेकिन वो क्यों, आपने अभी तक अपना पहला काम मुकम्मल नहीं किया। चलिए जाके वो पकाइए। टीवी का रिमोट कहाँ है? वो पड़ा है। ओ, शुक्र है, मुझे लेटकर कितना आराम मिल रहा है। ओ मेरी माँ। मामा, अब क्या हुआ? मुझे रिमोट कंट्रोल पकड़ाइए, देखिए वो टेबल पर पड़ा है। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए क्योंकि इस तरह पहले कभी नहीं हुआ और मैं ना कभी बॉस बना हूँ, पता है ना? ये लीजिए बॉस रिमोट। और कुछ जनाब को चाहिए क्या? जी, क्या आप मुझे कवर कर देंगी? जी मेरे सरकार। इसने तो कुछ ज्यादा ही उद्दम मचा दी है। ये लीजिए। क्या मतलब, इधर आइए ना, मुझे ढक दीजिए। जी सरकार। बहुत खूब, थैंक यू मेरे दोस्त। वाह, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं जाऊं बनाने के लिए। जी बिल्कुल, जल्दी कीजिए, मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी हुई है। लीजिए, बन गया। अरे ये क्या, ये कैसा सैंडविच बना के दिया है आपने मुझे? घर पे कैसे बनाती पार्सले? क्या मतलब? शिरजा, बाहर बहुत गर्मी है बेटा। नहीं नहीं, मैं बॉस हूँ और मैं बॉस ही रहूंगा। आज के दिन मुझे आपको हुक्म देना होगा और आपको बात माननी होगी। ओह, मैं तो बहुत फुल हो गया हूँ खा के।
अब मैं बाहर जाता हूँ और जाकर ब्रॉल स्टार से खेलता हूँ। अरे ये क्या, फोन क्यों पकड़ लिया है? तुम्हें याद नहीं तुमने स्कूल का काम करना था और हमने डिसाइड किया था पहले तुम स्कूल का काम करोगे और फिर फोन लोगे। अरे हाँ मैं भूल गया, मुझे पता है, लेकिन आज मैं बॉस हूँ इसलिए आज मेरे सारे काम आप करेंगी, ठीक है ना? मैंने कह दिया। हाँ? ये क्या? अरे मामा बहुत ज्यादा होमवर्क है मेरा आज, ठीक है? जाइए ना, जाकर ये सोफा साफ कीजिए मेरे लिए, जाइए, चली भी जाइए। काफी अरसे से मैंने लिखा नहीं था, मैं तो ये भी भूल गई कि होमवर्क कैसे करते हैं। आप रिलैक्स कर सकती हैं, अब मैं गेम खेल रहा हूँ। अगर देखा जाए तो तुम्हें सिर्फ 1 घंटा खेलने की इजाज़त है और वो पूरा हो चुका है। जी मुझे पता है, लेकिन आज मैं बॉस हूँ और सारे असूल मैं बनाऊंगा। नहीं ऐसा नहीं होगा। ओ मामा मैंने खाना तो खा लिया, लेकिन क्या आप मुझे एक स्मूथी डेजर्ट बना देंगी स्ट्रॉबेरी फ्लेवर? मुझे बहुत भूख, आज बहुत गर्मी है। हाँ बिल्कुल, मुझे ख्वाब आया था, एक सुनहरा ख्वाब। ये है तुम्हारी स्मूदी। अरे वाह मामा, आप तो बहुत जल्दी ले आई ये। अरे वाह, मामा क्या आप मुझे एक हाथ वाला पंखा ला देंगी? आज बहुत गर्मी है, स्मूदी से भी मुझे गर्मी नहीं जा रही। ये देखो तो सही, एसी चल रहा है। हाँ तो ये यहाँ से ठंडा हो जाएगा ना, इसको ज्यादा कर लो। हाँ तो ये खुद ही ठीक हो जाएगा ना। क्या अब ठीक है सरकार? जोर से दीजिए हवा, जोर से दीजिए। तुम कब सोओगे और ये चैलेंज कब खत्म होगा? अरे मामा मेरा तो कमरा भी साफ नहीं किया, मैं कैसे सोऊंगा इस गंदे कमरे में? क्यों नहीं किया मेरा कमरा साफ? जाइए जाकर सफाई कीजिए। मामा आप ये बात मत भूलिए कि आज के दिन के लिए मैं बॉस हूँ। चलिए जाइए, ये ग्लास अपनी जगह पर रख दीजिए। तुम बाज नहीं आओगे। ये कितना गंद डाल दिया। ओह।
शिरजा, तुम आधे दिन से यहाँ पर हो, बाहर नहीं जाना। ओ मामा, बिल्कुल जरूर। आप मुझे बास्केटबॉल ले दीजिए ना, मैं बास्केटबॉल खेलने जाना है। और आप भी आइए, हम दोनों बास्केटबॉल खेलेंगे इकट्ठे। तुम्हें पता है बाहर कितनी गर्मी है? थर्मामीटर देखो, बाहर 36 टेम्परेचर है। वो इसलिए क्योंकि मैं इस मौसम में बास्केटबॉल को लेकर भाग नहीं सकता। आप मेरी जगह बास्केटबॉल को लेकर कैप पहनकर भागेंगी। हाँ जरूर। तो बहुत मजा आया। मामा क्या हुआ, आ जाइए अंदर। मामा चलिए, मेरे पाँव के नाखून काटिए, बहुत बड़े हो गए हैं ये। क्या तुम बड़े हो गए हो, खुद करो ना। मामा मैं आपको बता दूं कि मैं ही बॉस हूँ आज के लिए। तुम्हें लगता है इतने गंदे पांव साफ करूंगी मैं? इतने भी गंदे नहीं है ये। नहीं इतने गंदे तो नहीं है। नहीं मैं नहीं करूंगी, जाओ इन्हें खुद ही काटो। मामा आज के दिन आपको सारी बातें माननी है, याद कीजिए। हाँ मुझे याद है। मैं तुम्हें एक ऑफर देती हूँ, मेरे साथ मुकाबला करो, और अगर मैं हार गई तो तुम एक हफ्ते के लिए बॉस बन जाना। हाँ मैं मान लेता हूँ, जाकर चेस लेकर आइए। लो आ गई। मामा मामा आपने मुझे ये क्यों ऑफर किया? शह और मात, मैं पूरे हफ्ते के लिए बॉस बन जाऊंगा, लेकिन अब नहीं, अगली वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।